वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास संस्थान मतलब कि डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास संस्थापन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसे LRDE कहा जाता है, ठीक है। ये वैकेंसी डीआरडीओ की ही है, लेकिन डीआरडीओ की एक शाखा है जिसे LRDE कहा जाता है, और इसी LRDE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो है DRDO की एक संस्था है, डॉक्टर CV रमन बेंगलुरु में इसकी शाखा है। तो यहीं पर 2023-24 मतलब 2024, क्योंकि इसका जो एकेडमिक ईयर होता है वो 2023-24 होता है, इसीलिए 2024 की वैकेंसी जारी की गई है। स्पेशल फॉर्म आप देखेंगे तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जिसमें द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द प्रीमियर RD एस्टेब्लिशमेंट सेटअप अंडर द डिफेंस RD ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LRDE मिनिस्ट्रीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द year apprenticeship training as per the following details under the provision of the Act Apprentice 1961 amendment from the time to time। अब इसमें आप देखें तो इसमें अलग अलग ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जैसे हम देखें टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग की पोस्ट देखते हैं तो इसमें डिसिप्लिन दिया हुआ है मशीनिस्ट ट्रेड, तो मशीनिस्ट की 2 पोस्ट है इसमें, फीटर की इसमें 6 पोस्ट है, टर्नर की 2 पोस्ट है इसमें, इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्ट है इसमें, वेल्डर की 2 पोस्ट है इसमें, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 पोस्ट है इसमें, और कोपा की इसमें 6 पोस्ट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की इसमें 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो इसमें जो एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें ITI कंप्लीटेड कैंडिडेट विथ वैलिड सर्टिफिकेट issues by the National Council for the Vocational Training मतलब NCVT in the respective trade। इसमें स्टाइफंड मिलेगा 7,000 रुपये पर मंथ, और इसमें प्रोसीजर क्या है इसकी अप्लाई करने की तो आप उससे देख लीजिए। इसमें अप्लाई करने की जो प्रोसीजर है, प्लीज़ रीड द टर्म्स कंडीशंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट मस्ट गेट एनरोल्ड, ठीक है। ये साइट है इसकी www.apprenticeship.india.gov.in। इस पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नंबर मिलेगा, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज ऑफ LRDE ऑन द एबो पोर्टल एस्टेब्लिशमेंट कोड, ये कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपको अप्लाई करना होगा, तब जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो डियर कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया कि DRDO LRDE ITI अप्रेंटिस की वैकेंसी की सभी ट्रेड को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वैसे ही DRDO LRDE ग्रेजुएट अप्रेंटिस की भी वैकेंसी इसमें जारी की गई है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 10 टोटल वैकेंसी है, फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसमें 3 पोस्ट है। तो ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीटेक एलिजिबिलिटी होती है, जिसका बीटेक कंप्लीट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वैसे ही देखेंगे तो डिप्लोमा अप्रेंटिस की भी इसमें वैकेंसी जारी की गई। तो DRDO LRDE डिप्लोमा अप्रेंटिस वैकेंसी 2024, इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 17 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट है इसमें, और सिविल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है। तो ऐसा यदि हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो LRDE डिप्लोमा लिखा है अप्रेंटिस, इसमें पॉलीटेक्निक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पॉलीटेक्निक पास किया हो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से, जो ब्रांच है इस ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद DRDO LRDE अप्रेंटिस सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, इसके लिए आप देखेंगे तो ITI पास कैंडिडेट को 7,000 मिलेगा, डिप्लोमा पास वालों को 8,000 मिलेगा, और ग्रेजुएट को 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बाकी सब जो है पूरी प्रोसेस हम आपको इंडिविजुअली, ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप की जो है इसमें ITI पास कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप की साइट है, इसमें जाना है, इस्टेब्लिशमेंट नंबर लिखा हुआ है। जब आप फॉर्म भरोगे तो यही इस्टेब्लिशमेंट नंबर को आप वहाँ पर लगाएंगे। दूसरी साइट है डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, ये साइट दी हुई है, इसमें आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर जो लगाना है SKBNC 4 टाइम 060, ये आपको इस्टेब्लिशमेंट नंबर लगाना है। जब तक ये इस्टेब्लिश नंबर नहीं लगाएंगे आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के लिए रखे हैं। एक बात ध्यान रहे, आपको जो फॉर्म भरना है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट दी हुई है www.apprenticeship.india.gov.in विल बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन अप टू 17 मार्च 2024। तो इसकी लास्ट डेट जो है 17 मार्च 2024 है, ठीक है। तो ये ITI वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ITI पास करके अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 17 मार्च डेट दी हुई है, ठीक है। फॉर्म भरने का तरीका तो आपको सेम है, जैसा आपने फॉर्म भरा है वैसा ही भरना है। इसमें सर्टिफिकेट देखेंगे तो 10th की मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS, फोटो ID, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, बहुत से स्टूडेंट फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं सर इसका ये जो है वैकेंसी निकली है इसके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, क्या रिटन एग्ज़ाम होगी या कुछ और होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिसिप्लिन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बाय द शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन टू डॉक्यूमेंट्स। तो आपने जो ITI पास किया है किसी ने पॉलिटेक्निक पास किया है, किसी ने बीटेक पास किया है, तो आपकी जो एकेडमिक आपकी जो लास्ट सेम में जो परसेंटेज बने होंगे पूरे एग्रीगेट आपके जो परसेंटेज होंगे उसी परसेंटेज के, जैसे कि ITI वाले कैंडिडेट तो ITI के परसेंटेज के आधार पर, डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा परसेंटेज के आधार पर, बीटेक है तो बीटेक के परसेंटेज के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो ये जो इसकी भी जो डेट है यही डेट मैं आपको बताना चाहूँगा 17 मार्च 2024 ही है। मतलब डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए भी 17 मार्च ही है डेट, ठीक है। फॉर्म भरने का सेम तरीका है, आपको करना कुछ नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो आप निकटतम कैफ़े में चले जाएँ और वहाँ से आप फॉर्म भर दें। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसी पल पल की अपडेट के लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।